अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट टाइम बेटा हमने जो है ना वो चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, तो आज हम जो है ना उसकी वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह मैथमेटिकली जो हमने कल बात की थी तो वो जो है ना उसको एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे कि क्या वाकई वो जो लॉ था वो ट्रू था। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो तीन कंटेनर लिए हैं, इन तीनों के अंदर आपने क्या किया, ये वाला हमारे पास जो है ना ये मूवेबल पिस्टन है, इसका क्या होता है ये वाले जो गैस है ना इसको बाहर नहीं जाने देता, लेकिन जैसे ही प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज होता है तो ये खुद ऊपर जो है ना वो मूव कर जाता है। पहले कंटेनर में देखें हमने हीट जो है ना वो कम दी हुई है, यहाँ पे हीट जो है ना वो ज़्यादा है, यहाँ पे और जो है ना वो हीट ज़्यादा है। अब देखें जी हम पहले जो कंटेनर है इसकी यहाँ पर हम बात लेते हैं कि अब यहाँ पे देखें कि जब हमने इसको हीट दी तो इसका वॉल्यूम जो है ना उस वक्त ये था जिसको हमने जो है ना और वॉल्यूम का जो है यूनिट होता है वो आपको पता है कि क्यूबिक मीटर जो है ना वो होता है। उसके बाद अगले कंटेनर पे चले जाएं तो यहाँ पे देखें कि हमने जो है ना वो हीट को बढ़ा दिया, जब हीट बढ़ी तो इसका वॉल्यूम का एरिया भी बढ़ गया। अब ये देखें कि जो वॉल्यूम होता क्या है, कोई चीज़ जितनी स्पेस लेती है वही उसका जो है ना वो वॉल्यूम होता है। यहाँ पे देखें गैस थी उसने कितनी स्पेस ली है उसका वॉल्यूम है, यहाँ पे गैस ने कितनी स्पेस ली है ये उसका वॉल्यूम है। अगले तीसरे वाले पे हम क्या करेंगे, देखें जी हमने इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हीट को बढ़ा दिया तो जब इस हीट के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से जो है ना आपका वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पे देखें कि इसने जो है ना वो गैस ने कितनी ज़्यादा जगह जो है ना वो ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो अब जो चार्ल्स लॉ है वो असल में क्या है, वो यही है ना कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होते हैं ना वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का हमने साइन खत्म किया उसके बाद जो है ना हमने इक्वल का साइन और के जो है ना वो हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट के तौर पर यूज़ करेंगे, के इक्वल टू वी ओवर टी, और के मैंने नीचे ये लिख भी दिया कि ये वाला एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के तौर पर यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखें जी जो है ये वाली जो चीज़ है हम इसको ज़्यादा हम मैथमेटिकली भी हम प्रूव करेंगे कि क्या वाकई जो हमारे पास ये वाला हमने रखा हुआ है। अभी देखिए लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था ना कि वी वन ओवर टी वन इक्वल टू वी टू ओवर टी टू, ठीक है, और इसके अंदर भी जो है ना वो आपके पास यहाँ पे देखें कि वी वन इक्वल टू के वी टू ओवर टी टू इक्वल टू के, इसका मतलब ये है कि इस गैस के जितना भी हम लेंगे उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना वो सेम रहता। अब ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है कि क्या वाकई ये वाली चीज़ जो है ना कि वो ट्रू है या इसमें कोई ड्रॉबैक है। अब जो पहला कंटेनर है उसमें हम जो वॉल्यूम है उसको वी वन से नोट करेंगे और वो वॉल्यूम हमने वन क्यूबिक मीटर जो है ना वो ले लिया, क्योंकि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। टेम्परेचर हमने जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो ले लिया और उसको टी वन से नोट कर दिया। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास हमारे पास चार्ल्स लॉ था के इक्वल टू वी वन ओवर टी वन है, वी वन की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे वन, टी वन की जगह पे हम उसकी वैल्यू जो है ना वो 100 पुट कर देंगे। जब वन को 100 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.01, और ये देखो क्यूबिक मीटर ऊपर है तो ये ऐसे जाएगा, सेंटीग्रेड जो है वो नीचे है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास वो -1 आ जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे कहते हैं 0.01 क्यूबिक मीटर पर सेंटीमीटर, ये वाला जो नीचे माइनस होगा इसको पर मतलब जाना पड़ेगी। अब ये वाला जो हमारे पास जो है ना वो सिलेंडर वन जो है ना उसका ये वाला हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। अब हम सिलेंडर टू जो है ना वही गैस है लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, अब हम देखेंगे कि क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम रहता है। अब यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम लिया देखो जिस तरह का टेम्परेचर बढ़ा था तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, यहाँ पे वॉल्यूम और है वहाँ जहाँ पे वॉल्यूम जाना हमारे पास और है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जाना वो हमारे पास बढ़कर टी टू हो गया, ठीक है। लेकिन ये टी टू क्यों हुआ है कि देखिए हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, पहले हमारे पास टेम्परेचर कितना था वी वन था, अब हमारे पास टेम्परेचर जो है ना वो टी टू है, तो टेम्परेचर बढ़कर जो है ना वो डबल हो गया। तो अगर टेम्परेचर डबल हुआ है तो आपका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, तो वॉल्यूम पहले 1 था अब हमारे पास जो है ना वॉल्यूम क्या हो गया 2। अब आप यही वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास सिलेंडर 2 है तो लिहाजा वी टू और टी टू जो है ना लिखेंगे। अब वी टू और टी टू की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की 2 को सिंप्लीफाई कर दें 2 को इसके साथ काट दें या आप जो है ना 2 को कैलकुलेटर के साथ जो है ना 200 पे डिवाइड करवा दें
तो आपके पास आंसर बेटा वही आ जाएगा 0.01 क्यूबिक मीटर पर सेंटीमीटर सेल्सियस। और ये वाला आपके पास देखिए के की वैल्यू आ गई। अब ये देखो पहले के भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू वही है और दूसरे वाले की प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू जाना कांस्टेंट की वही वाली है। अब हम तीसरे सिलेंडर पे जाना वो आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया देखो, पहले में टेम्परेचर और था, दूसरे में और था, तीसरे में और है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को हमने और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी जो पहला टेम्परेचर था उसका हमने 3 times जाना वो ले लिया। पहला 100 था, अब यहाँ पे 300 आ गया। तो जब ये 3 times जाना वो इसमें इंक्रीज हुआ है तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो भी आप जाना वो 3 times इंक्रीज करेंगे, 1, 2 और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम 3 जाना वो कितना हो गया 3 cubic meter। तो अब हम दोबारा इसमें के आपके पास, क्योंकि हमारे पास तीसरा सिलेंडर है तो के आपके पास क्या आ जाएगा V2/3। तो यहाँ पे V3 और T3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। V3 आपके पास क्या जी 3 जाना क्यूबिक मीटर है और T3 आपके पास जाना वो 300 क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप जाना वो 300 को 3 को 300 पे अगर हम डिवाइड करेंगे, या आप जाना वो इसको सिंप्लीफाई भी जाना वो कर सकते हैं। तो आपके पास अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देन 100 को 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा, या 3 को 300 पे डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास k की वैल्यू जाना वही आएगी 0.01 क्यूबिक मीटर पर सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड जाना ये वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हमने की थी ये वाला लॉ के अंदर कि k इक्वल टू V/T यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है ना वो V/T के इक्वल होता है, कब, जब आपका टेम्परेचर जो प्रेशर होता है ना वो कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन अगर आपका प्रेशर जाना उसके अंदर उसको चेंज कर देंगे तो देन आपके पास ये वाला लॉ जाना वो दुरुस्त साबित नहीं होगा। और नीचे फिर हमने जी ये वाली के की जो पहले तो हमने प्रैक्टिकली इसको किया था के इक्वल टू V/T, अब हमने इसको मैथामेटिकली भी प्रूव कर दिया कि के इक्वल टू आपके हमारे पास जाना वो ये वाला है। अब यहाँ पे आपके जो डायग्राम हमने बनाए हुए हैं आपको यहाँ से भी मतलब क्लियर हो रहा है, यहाँ पे देखो लॉ यही कहता है ना कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो टेम्परेचर है और था, वॉल्यूम हमारे पास कितना है, और सिलेंडर 2 के ऊपर जाके हमने क्या कर दिया कि जी इसका जो टेम्परेचर है ना हमने इंक्रीज कर दिया, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो हमारा वॉल्यूम भी जाना इंक्रीज हो जाएगा। और सिलेंडर 3 के अंदर जाना वो हमने ये किया था कि जी जो है ना इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो देखिए वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली उसके साथ जाना वो बढ़ जाएगा। अगर आप इसको रिवर्स में लें, मतलब हमने इसको 1, 2 और 3 लिया था ना, अगर आप इसको 1 लें, इसको 2 लें, इसको 3 लें, तो फिर देखें क्या जी, पहले हमने हीट बहुत ज़्यादा की थी, टेम्परेचर हमारा जो है ना वो ज़्यादा था तो हमारे पास वॉल्यूम ये था। ठीक है, अब हमारे पास जो सिलेंडर 2 है उसमें हमने क्या कर दिया, आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, जैसे ही टेम्परेचर कम किया वॉल्यूम भी कम हो गया। तो पर जो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना उसका मतलब ये होता है कि ए के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए या ए के कम होने से दूसरा जाना वो कम हो जाए। अब इधर से अगर लेफ्ट टू राइट आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हुआ है वॉल्यूम भी कम हुआ है, टेम्परेचर और कम हुआ वॉल्यूम और कम भी जो है ना हमारे पास कम हो गया है। तो ये मतलब जो है ना वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट करके हमने जो है ना वो प्रूव कर लिया कि जो कल हमने थ्योरी उसकी पढ़ी थी चार्ल्स लॉ की, कि वो जो है ना वो उसकी वेरिफिकेशन हमारे पास आ गई है कि वो लॉ वाकई ही जो है ना हमारे पास दुरुस्त है। तो ये बेटा आपने जो है ना वो कम्प्लीट करना है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी वेरिफिकेशन भी लिखनी है। बाद वो अकेले भी वेरिफिकेशन पूछ लेते हैं तो देन आपने सिर्फ वेरिफिकेशन लिखनी है, आपने जो है ना वो लॉ वो जो है ना उसको नहीं लिखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।